हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ चुके हैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए केकेआर से जुड़ी बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आ चुका हूं, जहां पे दोस्तों केकेआर की न्यू जर्सी के बारे में बात करेंगे, केकेआर के प्रैक्टिस मैच के बारे में बात करेंगे, साथ ही यहां पे और सारी भी अपडेट्स होगी। तो फिर वीडियो को आप प्लस जो देखना, वीडियो अगर आपको बताती हूँ तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करे थे जर्सी के बारे में, तो फिर दोस्तों यहाँ पे अभी बात करें तो फिर फाइनली केकेआर टीम का जर्सी हमारे पास आ चुका है। और दोस्तों अगर बात करें जिनविनली, मैं आप सबको बताऊँ तो फिर मुझे जो 10 दिन पहले ही पता चल गया था कि केकेआर का जर्सी जो किस तरह का होगा, क्योंकि दोस्तों केकेआर की जो ऑफिशियल बस थी वो केकेआर ने पहले ही अनाउंस कर दी थी, जिसमें से केकेआर टीम की नई जर्सी थी और जिसमें से जो टाइटल स्पॉन्सर सिर्फ विंजो की जगह पे यहाँ पे माई फैब 11 था। बाकी अगर जर्सी बात करें तो फिर पूरी तरीके से थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब तक केकेआर ऑफिशियली नहीं कंफर्म कर रही थी तब तक मैं आप सबको नहीं बता रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी केकेआर ने अगर बात कर जाए तो फिर लगभग से कंफर्म कर दिया है कि किस तरह का केकेआर का नया जर्सी होगा। तो फिर अभी आप लोग के सामने आ रहा होगा फोटो, आप लोग देख सकते हो जर्सी में कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, सिर्फ माई फैब 11 को ऐड किया गया है विंजो की जगह पे, और साथ ही बात करें थोड़ा सा डॉट जो यहाँ पे स्लीव्स में बढ़ा दिए गए, बाकी जर्सी जो पूरी तरीके से सेम है। तो दोस्तों आप लोग हिसाब से जर्सी कैसा है और आप लोग हिसाब से क्या जर्सी केकेआर को चेंज करना चाहिए था या फिर यही जर्सी जो केकेआर के लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों फाइनली जो जर्सी आ चुकी है, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से गोल्ड एंड ब्लैक जर्सी जो पहले हुआ करती थी वो शायद आएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो पिछले साल का जर्सी था वही एकदम से सेम है और थोड़े बहुत ही यहाँ पे चेंज किए गए, बाकी सारा कुछ यहाँ पे पुराने जर्सी जैसा ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डेविड वीजा के बारे में। तो फिर दोस्तों यहाँ पे डेविड वीजा भी अभी केकेआर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और आप लोग जहाँ पे उनकी स्टोरी देख सकते हो, और अभी आप लोग उनकी स्टोरी देख सकते हो जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंडिया जो पहुंचने वाले हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे डेविड वीजा जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पे बात करें उनके बारे में, एक अच्छी चीज ये है कि अभी जो पिछले 3 लीग उन्होंने खेला है वहां पे तीनों में जो यहाँ पे चैंपियन रहे हैं। सबसे पहले T10 लीग अबूधाबी का वहां पे खेला था, वहां पे भी चैंपियन थे। उसके बाद यहाँ पे IL T20 दुबई, वहां पे भी गल्फ जायंट्स के साथ यहां पे चैंपियन रहे, और अभी हाल ही में जो PSL खेला वहां पे भी चैंपियन रहे। तो भी दोस्तों यहां पे पिछले 3 जो लीग उन्होंने खेला है, और दोस्तों आप लोग भी ऐसा भी बोल सकते हो कि उनका जो अभी चौथा T20 लीग होगा IPL, वहां पे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी वो KKR के लिए खेलेंगे। और दोस्तों अभी एज अ KKR फैन हम लोग भी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि चौथा टाइटल भी यहां पे IPL में जो डेविड वीजा जीते और अपनी स्ट्रीक जो यहां पे कंटिन्यू रखे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं KKR की प्रैक्टिस मैच के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आज 25 मार्च है और आज जो बंगाल 11 के अगेंस्ट KKR को प्रैक्टिस मैच खेलना है, और कल के दिन यहाँ पे KKR ने ट्रेनिंग नहीं किया, कल का दिन रेस्ट था, और आज जो KKR टीम फिर से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेगी एक प्रैक्टिस मैच के साथ। और दोस्तों यहाँ पे आज हम जो KKR टीम का प्रैक्टिस मैच जो बंगाल 11 के अगेंस्ट देखेंगे, और दोस्तों इस प्रैक्टिस मैच में जो भी होता है वो मैं आप सबको कल के वीडियो में जोश से बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट मैं आपको देता हूँ एंड्रयू रसेल और चंदू सर को लेके। तो भी दोस्तों अभी आपको पता है कि चंदू सर जो KKR के नए हेड कोच है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ कि पिछले जो 2-3 दिन यहाँ पे KKR ने प्रैक्टिस जो किया है ईडन गार्डन में, वहाँ पे KKR के हेड कोच और एंड्रयू रसेल जो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हुए देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह जो चंदू सर जो देते हुए देखने को मिले एंड्रयू रसेल को, और साथ ही यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में भी काफ़ी ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करते हुए देखने को मिले, साथ ही यहाँ पे फील्ड में भी आप लोग पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो। तो भी दोस्तों अभी यहां से अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि एंड्रयू रसेल भी KKR के नए इंटरिम कप्तान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बात कर जाए भले एंड्रयू रसेल ने कुछ ज्यादा कप्तानी नहीं की है, लेकिन बहुत दिनों से KKR टीम में है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और पहले जो एक दो जगह पे उन्होंने कप्तानी करी है, पहले CPL में किया करते थे। लेकिन दोस्तों यहां पे जिस तरह से अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही बात करें बहुत दिन पहले भी एंड्रयू रसेल ने KKR टीम को ज्वाइन किया है, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रयू रसेल भी KKR के नए कप्तान हो सकते हैं। और अगर KKR उनको कप्तान अनाउंस करती है तो फिर मेरे हिसाब से आप सबको भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों KKR में रहते हुए जो परफॉर्मेंस उन्होंने इज्जत हासिल करी है उस हिसाब से अगर उनको कप्तान भी बनाया जाता है तो फिर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी बात करें तो फिर यहाँ पे और सारे भी ऑप्शन है, नितेश राणा, सुनील नारायण, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि एंड्रयू रसेल भी एक अभी ऑप्शन है जो कि KKR के नए कप्तान बन सकते हैं, और अगर वो बनते हैं तो फिर मेरे हिसाब से मुझे जो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ
साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करें फिर एंड्रयू रसल ने कल के दिन यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया छोटा सा, जहाँ पे दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करा अपने प्रैक्टिस सेशन पे, और उन्होंने ये बात करा कि प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा उनके बैट पे जो बॉल आ रहा है, और रसल अभी होपफुल है कि आईपीएल में सारे फैंस को फिर से इंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे उनका ऐसा कहना था कि मैं लेजेंड हूँ और आप लोग जो आईपीएल देखने के लिए जोशे ईडन गार्डन में एक बार से आओ, क्योंकि आप ही आप लोग देख सकते हो कि 3 साल बाद यहाँ पे ईडन गार्डन में आ रहा है। तो भी दोस्तों यहाँ पे एंड्रयू रसल अभी काफ़ी ज़्यादा खुश है, उनका ट्रेनिंग सेशन काफ़ी अच्छे से जा रहा है और काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर से जो पहले वो परफॉर्मेंस किया करते थे उस तरह का परफॉर्मेंस एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। तो भी दोस्तों यहाँ पे एंड्रयू रसल को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं चंदू सर के साथ, और अगर केकेआर उनको कप्तान बना भी देती है तो फिर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो भी दोस्तों यहाँ पे आज के लिए इतना ही था, जो भी अपडेट था वो मैंने आप सबको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद नहीं लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।